जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एस्ट्रोवाज। और जिन लोगों ने अभी तक मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल में ऑन कर दें ताकि सारी की सारी ज्योतिष से संबंधित मेरी वीडियो, मेरे अपडेट आप तक पता चले, आपको पता चलते रहे। अब बात कर लेते हैं, आज हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जो जातक और जातिकाएँ हैं उनका साल 2020 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी स्वास्थ्य की, धन की स्थिति, भूमि की स्थिति, संतान की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति, काम की, व्यापार की स्थिति, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं की विशेषता जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कमियाँ बताऊँगा। पहले विशेषता देखिए, जो मीन राशि वाले जो जातक और जातिकाएँ हैं उनको भगवान द्वारा बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता दी गई है, यानी कि उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, वाणी भी बहुत अच्छी है। मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं गाने में बहुत अच्छे होते हैं, वाणी में अच्छे होते हैं, धारा प्रवाह ये लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ इनको दूरदर्शिता बहुत दी है। किसी व्यक्ति को पहचान जाते हैं, दूर से ही भाप लेते हैं कि ये आदमी खराब है, ये आदमी तेज है, या ये आदमी अच्छा है, ये आदमी मुझे धोखा देगा या नुकसान देगा। और बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों को सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं मीन राशि वाले। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी कारण क्या है, जिस कारण से ये असफल हो जाते हैं, और ये असफलता जानना मित्रों बहुत जरूरी है, क्योंकि साल 2020 में अगर आपने ये असफलता, जो असफलता का कारण मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपने चेंज नहीं की तो ये जो मैं पूरा राशिफल बता रहा हूँ कुछ भी चीज़ आप पे लगने वाली नहीं। कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, यानी कि जन्म पत्रिका तो आप ये YouTube चैनल देख ही रहे हैं, ऐसे हज़ारों YouTube चैनल हैं YouTube के अंदर, और वर्ष फल TV पे भी आएगा, अखबार पे भी आएगा मित्रों, हर जगह पे आएगा, लेकिन क्या वास्तविकता में वो आप पे लगता है और क्यों नहीं लगता है। हम मंथली राशि देखते हैं, हम दिन की राशियां देखते हैं, हम साप्ताहिक राशियां देखते हैं, लेकिन राशियां तो बता रही हैं अच्छा अच्छा होता तो कुछ नहीं है। हम राशियों के अनुसार चीज़ें उपाय भी कर रहे हैं, होता तो कुछ नहीं है। कारण क्या है? कारण मित्रों यही है कि जब तक आप अपनी राशियों की कमियां जो मैं अभी बताने वाला हूं अगर उसको दूर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि मीन राशि वाले इतने मेहनती होने के बाद, दूरदर्शित होने के बाद इनके क्या ड्रॉबैक होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक जो मीन राशि वालों का होता है वो होता है दूसरे व्यक्ति को इम्पोर्टेंट ना देना। अक्सर मीन राशि वाले क्या करते हैं कि जो अपने से ज़्यादा अनुभव वाला व्यक्ति होता है, अपने से ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। इससे क्या होता है कॉम्पिटिशन की भावना क्रिएट होती है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी गुणवत्ता उससे कम है और उस जैसे शौक आप पाल रहे हैं तो मित्रों आप गिर जाओगे। इसलिए उससे कॉम्पिटिटिव भावना करने से पहले ये देख लो कि आपकी आर्थिक स्थिति, आप उसके लिए तैयार है कि नहीं है। बहुत बार आप लोग ये नहीं देखते हैं और कूद पड़ते हैं उसी की दौड़ में, जैसे कहते हैं ना सब लोग कूद रहे हैं तो हम भी उसको दौड़ में कूद देते हैं, सोचते समझते है नहीं, उस वजह से हम गिर जाते हैं। तो याद रखना है कि साल 2020 में मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं को जो भी अच्छा प्रतिष्ठित आदमी है, जो आपके दायरे में है, जो कामयाब आदमी है, उससे कोई ना कोई अच्छे एक्सपीरियंस लेने हैं कि वो किस प्रकार से कामयाब हुए, किस प्रकार से उसने यश प्राप्ति की, ना कि उससे ईर्ष्या करनी है, ना कि उसकी कमियां निकालनी है। अगर 2020 में अगर आप ये फॉर्मूला अपना लो तो मैं कहता हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मित्रों कहा जाता है ना जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म बाचे कोई। मैं कर्म की स्थिति बता रहा हूं कि कर्म कैसे करने चाहिए जिससे आप सफल होंगे मीन राशि वाले बच्चों, तो आपको यह करना है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के की कुंडली के बारे में, 2020 का राशिफल के बारे में, वार्षिक राशिफल के बारे में। पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों का स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं आ रही है। जो साल 2020 है उसमें ऑपरेशन के योग आ रहे हैं, आपको ऑपरेशन हो सकता है, आपको कराना पड़े, ऐसी स्थिति आपकी आ रही है। पहली चीज़,
साथ ही साथ आपको बीपी की प्रॉब्लम भी इस साल में रहने वाली है, आपके अंदर जो है क्रोध भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लगनगत बैठा हुआ है, जिस वजह से ये चीज़ें आने वाली हैं। अब इन चीज़ों का उपाय मैं बाद सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब धन भाव की बात कर लेते हैं, तो मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के अगर धन के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। लक्ष्मी का योग बन रहा है, यानी कि धन आपको इस साल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। धन का जो ग्राफ है आपका बहुत हाई है। धन आप छोटा भी काम करेंगे तो उसमें आपको धन मिलेगा। बहुत बार ऐसी स्थितियाँ होती है जो मीन राशि वालों ने पिछले दो साल में देखी ही हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति अच्छी नहीं हुई, बहुत जान डाल दी काम में, बहुत दिमाग लगा लिया काम में, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। अब वो क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उस समय पे धन की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं बन रही थी। आपकी बार धन की स्थिति बहुत अच्छी है। और हाँ, मीन राशि वालों ने जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जो कमर्शियल लैंड में इन्वेस्ट किया है 2-3 साल पहले, उसका भी प्रतिफल आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आपको उसका कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे कि आपको वहां से भी धन आना शुरू हो जाएगा। अब मीन राशि वालों के परिवार की स्थिति देख लेते हैं। तो परिवार की स्थिति के स्वामी बुध देव है। बुध जो है नवम भाव में बैठे हैं, तो परिवार के अंदर सौहार्द बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के अंदर माता पिता से मीन राशि वालों का काफी समय से मनमुटाव चल रहा है, या माता पिता से बन नहीं रही है, ये काम के सिलसिले में माता पिता से मीटिंग ही नहीं हो पा रही। हम इस शहर में, माता पिता गांव में, मीटिंग तो हो ही नहीं पा रही काफ़ी समय से, बस फोन टेलीफोनिक चर्चा चल रही है। तो ये साल या तो माता पिता आपके साथ रहने आने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है, या माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रीति आपकी बनने वाली है, माता पिता के साथ में रहने के योग नज़र आ रहे हैं, ये बहुत शुभ आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता के साथ आप लोग विदेश की यात्रा भी और धार्मिक यात्रा भी करने जाने वाले हो, ये भी बहुत शुभ योग आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की संतान की। तो संतान में भी बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। संतान जो पिछले साल जो जातक जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका कोई ना कोई खंडन वाला योग हुआ है, संतान तो हुई लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया, तो उनके लिए ये जो साल है ये बहुत अच्छा है। संतान सुख के योग बन रहे हैं, संतान के फरवरी से योग बनने लगेंगे। और जिनकी संतान बड़ी हो गई है उनकी जॉब लगने के योग अच्छे नज़र आ रहे हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, संतान को डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, मीन राशि वालों का दाम्पत्य जीवन यानी कि उसका स्वामी बुध नवम भाव में बैठा है, तो दाम्पत्य जीवन की जहां तक बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। हालांकि मीन राशि वालों का दाम्पत्य जीवन अच्छा ही था और भी अच्छा चलने वाला है। हाँ, पत्नी की ओर से या पार्टनर की ओर से कोई ना कोई रिश्तेदार इस वर्ष आपके घर में कुछ समय तक आएगा, कुछ समय तक रहेगा। हो सकता है युवा बच्चा आपके घर में आए, आपके रिश्तेदारी में रहें, ऐसा योग आपका बन रहा है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। प्रेमी जोड़े की अगर बात करें तो प्रेमी जो जोड़ा है उनका बात करें तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के जिम्मेवार आपके दोस्त होंगे, जो कि आपके अंदर गलत फहमी या गलत नेगेटिव एंगल आपके बीच में, आपके रिलेशन के बीच में डालेंगे। और उनका क्या लाभ है वो तो आप जानते हैं, ये वो तुड़वा के क्या चाहते हैं ये भी आप जानते हैं, तो इस तरह का मतभेद वो डालने का प्रयास करेंगे। बाकी ये कि आप अगर दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो टूट भी जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रेमी और प्रेमी युगल जोड़ों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने रिलेशन पे विश्वास करें, दूसरों की बातों में ना आए। अगर दूसरों की बातों में आएंगे, कान के कच्चे बनोगे, तो रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि अगर ये साल आपका रिलेशन में चल जाता है तो शादी के बाद ये अंत इसका शादी ही है, लेकिन ये टूटने के कगार जब आएगी, जब आप इस साल कान के कच्चे हो जाओगे और दूसरों की बातों में, दूसरों की सुनी सुनाई कहीं कहीं भड़काने में आ जाओगे और अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं रखोगे। आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के नौकरी में उन्नति के बारे में बात कर लेते हैं, व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नौकरी में बात कर लेते हैं। नौकरी में गुरु देखो बैठा हुआ है और साथ में शनि बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो बैठा हुआ ग्रह वो ये बता रहा है कि गुरु जो है आपको पद प्रमोशन देने वाला है, लेकिन पद प्रमोशन से आप खुश नहीं होंगे मीन राशि वाले। पद प्रमोशन या तो आपको दूर जाके मिलेगा, क्योंकि गुरु तो नीच राशि का बैठा है ना, इसलिए
इसलिए आप पद प्रमोशन से ज़्यादा खुशी नहीं होंगे, या फिर कह लीजिए कि एक तो आप पद प्रमोशन से खुशी नहीं होंगे, आपको दूर मिलेगा, साथ ही साथ आपको धन वृद्धि तो होगी, लेकिन साथ में ऐसी जिम्मेवारी, ऐसा डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा जिसमें आप बहुत परेशान होने वाले हो, लेकिन आपका पद प्रमोशन होगा, लेकिन अब आप कलीग से थोड़ा परेशान रहोगे, जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ेगी, सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, लेकिन डेजिग्नेशन आपको, जो आपको जो काम है वो बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। वहीं पर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए जो साल 2020 है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपका धन की स्थिति मुझे अच्छी लग रही है, प्लस ये दिख रहा है कि व्यापारी अपना एक ब्रांच किसी क्षेत्र और में भी खोलने वाले हैं, ऐसा आ रहा है कि आप, क्योंकि जो कुंभ राशि जो उदित हो रही है वो व्यय भाव में उदित हो रही है और लाभ भाव का उसका से रिलेशन है उसका, तो आपकी ब्रांचों में ब्रांचें खुलने वाली है। मतलब ये जो साल है व्यापारियों के लिए, खासकर उन व्यापारियों के लिए जो कि मध्यम वर्ग का व्यापार चलाते हैं, कोई खाने की कैंटीन चलाते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, तो उनका व्यापार दूर दूर तक विस्तार होगा, ऐसा योग बन रहा है। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपना विस्तार में एडवर्टाइजमेंट में, सोशल मीडिया में, किसी नेटवर्क से जुड़ने में आपको धन व्यय करना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है आपके लिए व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। इस साल आपके व्यापार के सोर्स बहुत अच्छे खुलने वाले हैं, तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में, सोशल मीडिया में पेड जरूर करिएगा और अपना एडवर्टाइजमेंट जरूर करिएगा। तो आज के कार्यक्रम में, हाँ, दूसरी चीज़ कि आज मैं आपको, अब मैं बता देता हूँ आपको कि आपको आपका गुरु मंत्र बता देता हूँ कि इस साल आपको कौन सा मंत्र का जाप आपको अच्छा रहेगा। तो इस साल आपको जो सबसे अच्छा जो मंत्र का जाप रहेगा वो रहेगा आपको मंगल का जाप। तो मंगल का आप जाप कीजिए, मंगल आपके लगन में बैठे हैं, मीन राशि के बैठे हैं, उसका जाप अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप आपको पूरे साल भर करना है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।